धर्मशाला उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी विजय इंदर करण ने सादगी से नामांकन भरा। नामांकन भरने पहुंचे विजय इंदर करण के साथ नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, इंदर करण और पूर्व सांसद चौधरी चंद्र कुमार मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सती पर तख्त टिप्पणी की। अग्निहोत्री ने कहा कि वे और कांग्रेस पार्टी सती की बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये प्रतिक्रिया मुकेश ने सती के उस बयान को लेकर दी जिसमें सती ने सुधीर शर्मा के भाजपा में आने के प्रयासों की बात कही थी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सुधीर शर्मा हमारे एक मजबूत नेता है, वे पार्टी के साथ और पार्टी उनके साथ हमेशा खड़ी है। अग्निहोत्री ने कहा कि ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा। भाजपा की कथनी और करनी का अंतर देश और प्रदेश की जनता ने देख लिया है। धर्मशाला को लेकर जो भी घोषणाएं और कार्यक्रम कांग्रेस सरकार ने चलाए थे, भाजपा ने उन पर विराम लगा दिया है। हमने सर्वसम्मति से एक मजबूत प्रत्याशी का चयन किया है और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस सीट पर जीत दर्ज करेंगे। उधर कांग्रेस प्रत्याशी विजय इंदर करण ने कहा कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। स्थानीय मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ा जाएगा तथा धर्मशाला की जनता की समस्याओं को दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा। विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में लगातार दो दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसमें अश्विन नवरात्रों के दूसरे दिन भी लगातार बारिश हो रही है। बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालु ज्वाला माँ के ज्योतियों की लाइनों में लगकर दर्शन कर रहे हैं और माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पुजारी शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में अश्विन नवरात्रों के दूसरे दिन मां ब्रह्माचारिणी के रूप में ज्वाला माँ का पूजन किया जा रहा है और सुबह से ही बारिश लगी हुई है और मौसम बहुत सुहावना बना हुआ है। सभी श्रद्धालु लाइनों में लगकर ज्वाला माँ के दर्शन कर रहे हैं। बाहरी राज्यों से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नजर आ रही है। मंदिर प्रशासन ने इसके बावजूद श्रद्धालुओं की सुविधा के अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। नवरात्रों में रंग बिरंगी लाइटों व फूलों से बहुत अच्छी सजावट हुई है। ज्वालामुखी आए हुए श्रद्धालुओं ने कहा कि ज्वालामुखी मंदिर में दर्शन बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं और मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के सभी प्रबंध किए हुए हैं। मंदिर अधिकारी बिशन दास शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में दूसरे नवरात्रि को लगभग 7,000 श्रद्धालुओं ने ज्वाला माँ की ज्योतियों के दर्शन किए। इन नवरात्रों के पहले दिन श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में कुल चढ़त 7,07,702 रुपए सोना 2 ग्राम 300 मिलीग्राम और चांदी 395 ग्राम और विदेशी करेंसी के रूप में कनाडा के $20 श्रद्धा के रूप में ज्वाला माँ के चरणों में अर्पित किए गए हैं। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में सजावट के लिए प्रयोग में किए गए प्लास्टिक के फूलों को प्रशासन ने हटाने के आदेश दिए हैं। हालांकि मंदिर की सजावट का कार्य करनाल के श्रद्धालुओं के द्वारा बेखूबी के साथ किया गया, लेकिन इसमें सजावट में ओरिजिनल फूलों के साथ कुछ प्लास्टिक के फूल भी प्रयोग किए गए, जो कि दूर से देखने पर ओरिजिनल फूलों की तरह दिखाई दे रहे थे। जब मेला अधिकारी सुभाष गौतम ने गत रात मंदिर का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो उन्होंने देखा कि मंदिर की सजावट में प्लास्टिक के फूल भी श्रद्धालुओं के द्वारा प्रयोग किए गए हैं, तो उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे प्लास्टिक के फूलों को मंदिर से हटाकर उनकी जगह भी ओरिजिनल फूल लगाएं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। ऐसे में मंदिर में प्लास्टिक के फूलों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हरियाणा की करनाल की समाज सेवी संस्था ने प्लास्टिक फूलों को हटाना शुरू कर दिया और उनकी जगह
अब वे ताजा ओरिजिनल फूल लगाएंगे। प्रशासन के इस कदम की सराहना श्रद्धालुओं ने भी की। श्रद्धालु बस्सी पठाना राजू पटियाला पप्पी का कहना है कि मंदिर की सजावट में असली फूल ही प्रयोग होने चाहिए ताकि प्लास्टिक का प्रयोग बंद हो सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने जो फैसला लिया है वे बिल्कुल सही है और मंदिर की सजावट ताजा और असली फूलों से ही की जाएगी। सोलन पीजी कॉलेज में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन समारोह में जॉइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन प्रमोद चौहान बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। आपको बता दें कि 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 16 महाविद्यालयों से 14 छात्रों और 6 छात्राओं की टीमों ने भाग लिया। खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया और अनुशासन में रहकर खेल भावना का परिचय दिया। सोलन ने राज्य स्तरीय टेनिस प्रतियोगिता में बाजी मारी। जॉइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन प्रमोद चौहान ने इस मौके पर कहा कि कॉलेज प्रबंधन ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया। उन्होंने कहा कि आज वे अपने आप को कॉलेज में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर गर्व हो रहा है क्योंकि वे भी इस कॉलेज में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये कॉलेज प्रदेश के चुनिंदा कॉलेजों में से एक है जो बेहतर सेवाएं और शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस कॉलेज में विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाता है जो काबिले तारीफ है।